कुछ लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो यहाँ पे बाइट दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन तक पहुँचे और उनसे बात करने की कोशिश करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुनने में आई है किसने आके नजदीक से फायरिंग की, तो कौन लोग तक इन पर शक जताया जा भी। मैं तो ये अभी तक तो ये सबका क्लियर नहीं हुआ। हम तो ये पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, बात क्लियर करें, ये कौन है, क्या है, इनका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मामला कि ये है कौन, कहाँ, किसी गैंग से है। लेकिन ये पक्की बात है कि ये किसी गैंग से ही बिलोंग करते हैं। जब ये कई दिनों से रेकी कर रहे थे और जो भी इनको पता लगा भी अभी उनके बॉडीगार्ड छुट्टी पे, तो उसने फायरिंग की है। आपके संगठन भी जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संगठन से हैं और हम इसी के लिए, हम हमारी जान देने के लिए तैयार हैं। आपको किन पे शक है? लॉरेंस विष्णु पे शक है? अभी हम नहीं कह सकते कि लॉरेंस विष्णु के आदमी है कि नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तो प्रशासन का काम है, ये क्लियर करें भी कौन से गैंग से, गैंग से जरूर है। ये बात नहीं है कि ये कोई नामी बदमाश है, ये कोई छोटे मोटे बदमाश नहीं है, क्राइम है। हम इसी को हम कैसे कह सकते हैं किराए के, मानते हैं भी किसी गैंग के भी तो हो सकते हैं ना ये। है बहुत बड़ी घटना है ये लगभग मेरे को सुनने में आई है कि 7:30, 8:30, 9 बजे का टाइम था ये। हाँ सुबह का टाइम था और इसने ये घटना की है। ये बहुत बड़ी बात है, ये राष्ट्र की बात है, जो पूरा समाज इनके पीछे, पूरा राष्ट्र गरीब, हर गरीब की आवाज़ उठाने वाला नेता था ये, और इनके साथ जो घटना हुई इनका जवाब हम बिल्कुल देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हम प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि बात का रिजल्ट क्लियर करें भी, ये किन सी गैंग से निकल के आए हैं ये बदमाश, कहाँ के, कहाँ नहीं है। सर तो आगे की क्या क्या प्लानिंग से आप लोग? हमारी ये प्लानिंग है, हम इस गैंग को प्रशासन ने निवेदन करते हैं कि गैंग क्लियर करिए कौन सी गैंग से, ये बदमाशों को लाके इनकी कर्मों की सजा दे, वरना हम जगह जगह हड़ताल पर बैठेंगे, जगह जगह धरना करेंगे। हम इनके सुखदेव जी के परवाह, हम इन सुखदेव जी के पहले भी साथ थे, हम भी साथ आगे भी साथ रहेंगे। ये हमारा लाडले बहुत दिल के धड़कन के नेता थे ये। जी बिल्कुल, आक्रोश है, लोग गुस्सा हैं, नाराज हैं और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं और उनको सजा दिलाई जाए। Zee News.